हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने वाला हूं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन्ड शुरू से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बेन 10 अल्टीमेट एलियन को एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स में बहुत सारे एलियन है और ये सारे खूंखार एलियन और कोई नहीं, ये एक ही इंसान है जिसका नाम बेन टेनिसन है। और हम देख पाते हैं ग्वेन, केविन और बेन को। बेन का राज अब खुल चुका है, सारी दुनिया को पता चल चुका है ये सारे एलियन और कोई नहीं, ये सब बेन 10 ही हैं। बेन का राज खुल गया होता है जिस वजह से बेन काफी ज्यादा परेशान होता है और हर जगह बेन को चीजों को तबाह करते हुए दिखाया जा रहा होता है। बेन गुस्सा होकर जब बाहर जाता है तो वो देखता है बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, जिससे केविन उससे कहता है तुम कुछ दिनों के लिए जूली के यहाँ चले जाओ, किसी को दिखाई मत दो। जिसके बाद बेन बाहर जाता है और वो मीडिया वाले बेन से सवाल करने लगते हैं, जिसके बाद बेन वहाँ पर ह्यूमंगस सोर बनता है अल्टीमेट्रिक से और वो सब लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं बेन जूली के घर पर बैठा होता है और जूली जब न्यूज चलाती है तो वहाँ पर भी बेन की ही बुराई कर रहे होते हैं। हर जगह बेन को चीजों को तबाह करते हुए दिखाया जा रहा होता है, जिससे बेन काफी ज्यादा दुखी होता है और बेन नहीं समझ पाता है आखिर उसका राज ये किन्ने खोला है। जिसके बाद जूली बेन का मूड सही करने के लिए उससे बाहर घूमने के लिए चलने के लिए कहती है और बेन अपनी गाड़ी में जूली को घुमाने के लिए ले जाता है। जिसके बाद वहाँ पर केविन मिलता है और केविन आता है जब तुम लोगों से छुपते फिर रहे थे तो उसने सारी जानकारी हासिल करी और उसने पता लगा लिया है आखिर तुम्हारा राज ये किसने खोला है। और वो लोग उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ पर चल पड़ते हैं जिसने बेन का राज खोला है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लेडी दरवाजा खोलती है। जब वो बेन को देखती है तो वो उसे लगता है वो उसके बेटे के दोस्त हैं और वो अपने लड़के को बुलाती है जिसका नाम जिमी होता है। जिमी जब बेन को देखता है तो जिमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बेन का बहुत बड़ा वाला फैन होता है। जिमी उन लोगों को अपने कमरे में ले जाता है और केविन जिमी पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है आखिर उसने बेन के साथ ऐसा क्यों किया और जिमी वहीं पर ही रोने लगता है, जिससे वो लोग केविन को रोकते हैं और डराने के लिए उसे मना करते हैं। जिमी उनसे बोलता है वो बेन का बुरा नहीं चाहता था, उसे लगा बेन इतने अच्छे काम करता है, अगर वो बेन का राज खोल देगा तो बेन को दौलत और शौहरत मिलेगी, जिससे बेन और केविन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिमी उन लोगों को बताता है वो एक रिपोर्टर बनना चाहता है, उसका ये शौक है, इसीलिए वो काफी टाइम से अलग अलग एलियनों की फोटो कलेक्ट कर रहा था और उन सारे एलियन में बीच में ये वाला निशान था, जिससे ग्वेन कहती है अच्छा तुमने बेन के ओमनीट्रिक्स की मदद से पहचाना। जिससे जिमी बेन की वीडियोस दिखाता है और वहीं पर एक अलग एलियन था जो बेन का नहीं था। बेन उसे देख के कहता है इसकी तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली, ये मेरा एलियन नहीं है। जिसके बाद जिमी उन्हें उस एलियन की एक छोटी सी वीडियो दिखाता है जिसमें वो एलियन तबाही मचा रहा होता है और वो लोग ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग उस एलियन को ढूंढने के लिए केविन की स्पेसशिप में निकल जाते हैं और वो उस एलियन की लोकेशन पता कर लेते हैं। वो उस एलियन तक पहुंचने ही वाले होते हैं लेकिन तभी उन लोगों पे कोई हमला कर देता है। केविन को उन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए केविन एक जहाज तबाह कर देता है लेकिन उस जहाज का पायलट निकल जाता है और बेन उस जहाज के पायलट को बचाने के लिए रस बकेट से कूद जाता है और जेटरे बनता है, उसको बचाने लगता है और वहीं पर ही वो लोग उन पर हमला कर रहे होते हैं। बेन उनकी स्पेसशिप भी तबाह कर देता है और जो पायलट नीचे कूद आता है उसकी जान बचा लेता है। तभी उसे सब लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं और बेन बताता है वो मशहूर बेन टेनिसन है और वो लोग उसे हिलने को मना करते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उन लोगों ने बेन को जेल में डाल दिया है। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन आते हैं कर्नल के साथ और बेन को छुड़ा लेते हैं। बेन पूछता है आखिर ये तुमने कैसे किया, जिससे वो बताते हैं इन्हें हमने अपना प्लम्बर बैस दिखाया जिसकी वजह से इन लोगों ने हमें छोड़ दिया। जिससे वो उन्हें बताता है प्लम्बर भले ही खुफिया है लेकिन सारी सरकारें जानती हैं कि इन मुसीबतों से खाली प्लम्बर्स ही हैं जो निपट सकते हैं। वो उन्हें बताता है इस रॉकेट को हम पिछले 50 सालों से बना रहे हैं, अब इसे खत्म होने में कुछ महीने ही बचे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। हर रात एक अनजान जीव आता है और इसके पुर्जे चुरा के ले जाता है, इसीलिए वो उनसे रोकने के लिए कहता है उस जीप को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उसी जीप वो वहीं पर ही उसी रॉकेट के पास आता है और उस रॉकेट का सामान चुराने लगता है। तभी वही लोग आ जाते हैं और उस जीप को रोकने लगते हैं लेकिन वो एलियन काफी ज्यादा ताकत बढ़ता है, वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। और वहीं बेन का अल्टीमेट ट्रिक्स काम नहीं कर रहा होता है, उससे वो कहता है कि यहाँ पर कोई अनजान डीएनए मौजूद है और बेन बिल्कुल नहीं समझ पाता है क्योंकि बेन ने बिल्कुल नया अल्टीमेट ट्रिक्स पहना होता है। अभी बेन उसे रोकने लगता है लेकिन बेन बिना एलियन बने उसका सामना नहीं कर पाता है और वो उन तीनों को ही ढेर कर देता है। जिसके बाद बेन के
अल्टीमेट्रिक्स से एक रोशनी निकलती है और उसका डीएनए वो ले लेती है और बैन का अल्टीमेट्रिक्स दोबारा से चालू हो जाता है और बैन क्रोमा स्टोन बनता है और उससे फाइट करने लग जाता है। लेकिन वो बैन पर फिर भी भारी पड़ रहा था, बैन को बड़ी आसानी से हरा देता है जिससे बैन को बहुत तगड़ा करंट लगता है और बैन वहीं बेहोश हो जाता है और वो एलियन जीव वहां से भाग जाता है। जिसके बाद बैन की आंख खुलती है और वो लोग बैन से पूछते हैं वो ठीक है और वो उन लोगों को बताता है इस बार उसने उस रॉकेट का इंजन चुराया है और वो इंजन न्यूक्लियर हथियार से बना हुआ है। और ये सुनकर वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी स्पेसशिप में जाते हैं और उस एलियन जीप का पता लगाने लगते हैं और वो लोग उस एलियन जीप का पता लगा भी लेते हैं। वो पानी के अंदर होता है और ग्वेन उन्हें अपनी मैना की मदद से पानी के अंदर ले जाती है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो एलियन जीप अपनी स्पेसशिप ठीक कर रहा होता है। वो लोग उसके पास जाते हैं, वो 2 मिनट में लॉन्च होने वाली होती है और वो लोग उस एलियन से बोलते हैं तुम खाली अपने घर जाना चाहते हो ना। जिससे वो एलियन कहता है हाँ और वो कहता है हाँ 2 मिनट में मेरी स्पेसशिप चालू हो जाएगी। जिससे वो लोग बोलते हैं ये एक न्यूक्लियर बम है, तुम तो अपने घर चले जाओगे लेकिन यहाँ पर लाखों लोग मारे जाएंगे। जिससे वो कहता है इससे मुझे क्या है, उन लोगों के चक्कर में मैं अपने घर ना जाऊं क्या। जिसके बाद उन लोगों में लड़ाई होने लगती है और वो एलियन उन तीनों पे भारी होता है। बैन स्पाइडरमैन की बनता है और उससे लड़ने लगता है लेकिन स्पाइडर मंकी उस एलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद बैन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बनता है और उन दोनों में एक अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है। जिसके बाद बैन उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है और अपने जाल से बुनकर उसे वहीं लटका देता है एक बटरफ्लाई की तरह। और वो लोग उस एलियन से पूछते हैं आखिर वो यहाँ आया कैसे। जिससे वो उन्हें बताता है, वो एलियन उन्हें बताता है कि वो एक दूसरे प्लेनेट से आया है, एक एग्रागोर नाम का आदमी सारे एलियंस को अगवा कर रहा है, मेरे साथ 4 और है, हम 5 को अगवा करके वो हमारी शक्तियों को निचोड़ कर इस पूरे गैलेक्सी का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था लेकिन हम लोग वहाँ से किसी तरह से भाग गए और पृथ्वी पर आकर फंस गए, हम सब लोग अलग अलग हो गए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ बस। जिससे वो लोग कहते हैं हम प्लम्बर्स को बुला देते हैं, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे और बाकी के तुम्हारे साथियों को भी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही केविन न्यूक्लियर बम को भी ले लेता है और वो लोग उस न्यूक्लियर बम को वहाँ पर रख देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं बैन को। बैन जब अपने स्कूल जाता है तो काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसका राज खुल चुका है अब और वहीं काफी लोग उसे बुरा समझते हैं और काफी लोग उसे अच्छा भी समझते हैं। बैन स्कूल में जाने से डर रहा होता है। जिसके बाद जूली आती है और जूली उसे समझाती है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, तुम कभी ना कभी तो अंदर जाओगे। जूली बैन का हौसला बढ़ाती है और बैन जैसे अंदर जाता है तो सब बैन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और बैन नीचे गर्दन करके चल रहा होता है। तभी बैन के सामने 2 स्टूडेंट आते हैं और वो तालियां बजाने लगते हैं और वहीं सारे स्टूडेंट बैन से तालियां बजाने लगते हैं। वो बैन से बोलते हैं तुमने स्कूल में सब लोगों की काफी मदद करी है। बैन को काफी लोग अब हीरो मानने लगे थे, वहीं कुछ लोग बैन को बुरा समझ रहे थे अब भी। और वहीं हम देख पाते हैं उसी एलियन को, वो अभी भी वहां पर लटका हुआ होता है। तभी उसे वहां पर कुछ आवाज आती है, वो बोलता है तुम प्लम्बर हो ना, तुम मुझे मेरे घर ले जाने आए हो ना। लेकिन तभी वो देखता है वहां पर और कोई नहीं, वहां पर एग्रागोर होता है जिसने इसको और इसके 4 साथियों को पकड़ा होता है उनकी शक्ति निचोड़ने के लिए। और वो उस एलियन को बहुत तड़पाता है और पकड़ लेता है। और इसी के साथ बैन 10 एलियन सीजन 1 एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एपिसोड 2 में अब।